हिमाचल प्रदेश विद्युत कर्मचारी यूनियन नूरपुर ज्वाली व फतेहपुर के यूनिटों के पदाधिकारियों की बैठक नूरपुर के बोर्ड में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मोहल ने की। हिमाचल प्रदेश विद्युत कर्मचारी यूनियन नूरपुर ज्वाली व फतेहपुर की यूनिटों के पदाधिकारियों की बैठक नूरपुर के बोर्ड में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन महोल ने की। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में 16वें अधिवेशन में जो कि 28 सितंबर व 29 सितंबर को होने जा रहा है, उसमें आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन महोल ने बताया कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी के चलते आए दिन तकनीकी कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि एक एक कर्मचारी के हिस्से में 30 से अधिक ट्रांसफार्मरों की जिम्मेदारी है। कर्मचारी काम के बोझ के कारण दबा हुआ है। उन्होंने कहा कि यूनियन बोर्ड प्रबंधक वर्ग से मांग करता है कि जूनियर टीममेट को सहायक लाइनमैन और जूनियर हेल्पर को SSA और JO1 IT को वरिष्ठ सहायक और JO अकाउंटेंट को अकाउंटेंट बनाया जाए। कंप्यूटर ऑपरेटर को JEIT पदोन्नति के लिए शीघ्र अतिशीघ्र नियम बनाए जाएं। साथ ही वर्क ऑर्डर पर कार्यरत कर्मचारियों को नीति बनाकर बोर्ड में लगाया जाए। पवन महोल ने कहा कि विद्युत बोर्ड में आजकल अधिकांश कार्य ठेके प्रथा पर हो रहे हैं, जिसके कारण गुणवत्ता में कमी आई है। हमारा जो 16वां महाधिवेशन है ये हमीरपुर में होने जा रहा है, उसकी तैयारियों के संदर्भ में आज हमने यहाँ बैठक बुलाई है। तो इसमें जो आज की इस बैठक में बाकी जो ज्वलंत मुद्दे जो हैं वो आपकी मीडिया के थ्रू प्रदेश सरकार और प्रबंधक वर्ग तक हम पहुँचाना चाहेंगे। एक तो मैन पावर की बहुत सारी कमी बिजली बोर्ड में है। मैं आपको कहना बताना चाहूँगा कि आए दिन दुर्घटना हो रही है और हमारे जो कर्मचारी हैं, जो युवा कर्मचारी अभी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, ये लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, क्योंकि एक तो कर्मचारियों के ऊपर काम का लोड बहुत ज़्यादा है। एक एक कर्मचारी के पास 30 से 40 ट्रांसफार्मर का जिम्मा है, ऊपर से पब्लिक का प्रेशर है और नंबर दो मैनेजमेंट का प्रेशर है, साथ में पॉलिटिकली प्रेशर भी रहता है। तो मेरा ये गुजारिश प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से रहेगी कि बिजली बोर्ड को स्ट्रेंथन किया जाए। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में बिजली बोर्ड में जो हमारा कंज्यूमर है वो 21 लाख तक पहुँच चुका है और हमारे जो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या है वो आज की डेट में 17 और 18 हजार के बीच सिमट कर रह गई है। तो ठेकेदारी प्रथा ने जो बेड़ा गर्क बिजली बोर्ड का किया है, आज मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग सक्षम हैं, हर काम करने के लिए बिजली बोर्ड का कर्मचारी सक्षम है, मगर पूरा ही काम ठेके पर दिया जाता है, हम लोग कर्मचारियों को बेले बिठाया जाता है। आज कुर्थला की लाइन बाथरी से बनाई है, करोड़ों रुपया गोलमाल करके वो ठेकेदार भाग के गया, चौथे दिन तार टूट जाती है, कौन जिम्मेवार है उसका, कौन अधिकारी जिम्मेवार है उसका? चौथे दिन हमारे कर्मचारी को धुला जाते, चलो तार टूट गया वहां जाके काम करो, क्यों करें हम काम वहां जब ठेकेदार ने गोलमाल किया? क्यों उस लाइन को पास किया गया? उसका सैग क्यों नहीं चेक किया गया? उसके टावर क्यों नहीं देखे गए? उस ठेकेदार को क्यों इतना पेमेंट दिया गया? बिजली बोर्ड में जो घोटाले हो रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब से मेरा निवेदन रहेगा इनकी जांच करवाई जाए, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बिजली बोर्ड नहीं बचेगा। बिजली बोर्ड में इसके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, प्रदेश की जनता से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग जागरूक होइए। जो आज की तारीख में जो बेरोजगारी बढ़ी है, अगर बिजली बोर्ड में सरकार पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ अगर पदों का सृजन करती है तो मैं नहीं समझता कि आज की डेट में 15 से 20 हजार लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। कि HPSC भी इम्प्लाई यूनियन जो है हमारा किसी भी राजनीतिक संगठन के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारी एक कॉन्फ्रेंस में धूमल साहब आए थे, जब 14वीं कॉन्फ्रेंस हुई, 15वीं राजा वीरभद्र सिंह जी थे, तो अभी हमारी 16वीं होने जा रही है, तो इसमें हमने जयराम जी को भी बुलाया।